कभी भी किंतु परंतु नहीं लगाया, इसीलिए अपलाइन से ज्यादा मंदिर बने लाइफ लाइन के। और दोस्त, कृष्ण भगवान जब अर्जुन को बोलते थे इन पर तीर चलाओ, ये बोलता था मेरे रिश्तेदार हैं, सोच के बताऊंगा कल। किंतु परंतु बहुत लगाया, एक भी मंदिर इस दुनिया में नहीं बना, एक भी नहीं बना। अब आपके ऊपर है, या तो हनुमान बन जाना या अर्जुन बन जाना। अर्जुन बनोगे तो एक भी मंदिर बनने वाला नहीं है, हनुमान बन गए तो आपकी अपलाइन से ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन अपलाइन का मतलब क्या है? अपलाइन जानते हो किसको बोलते हैं? जिसने बिजनेस कराया, यस या नो? नो हो, अपलाइन नहीं, वो तो आपका सेकंड गॉड है जिसने आपको बिजनेस दिया है। अपलाइन का मतलब होता है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो सफल है इस बिजनेस में। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी सोती हुई अपलाइन से मत मिलना, कभी मत मिलना। सोती हुई अपलाइन के पास चले गए और आपने कहा सर आगे क्या करूं, सो जा, क्योंकि वो खुद सोया हुआ है। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से मिलना है हमेशा, मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, फोर्थ प्लान शो। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, प्लान बहुत जरूरी है। कितने दोस्त हैं जो आरसीएम का प्लान दिखाते हैं? थैंक यू। डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा है, थैंक यू। प्लान कम दिखाते हैं दोस्त। अगर रूबी स्टार बनना है आज से प्लान दिखाओ, आज से ही। पता है क्यों? अरे सबसे आसान काम है, सात गोले ही तो बनाने हैं, सात गोले, और रोज एक जैसे ही बनाना है, आज से ही बनाओ। पर आपको पता है क्या लगता है? कहीं गलत ना हो जाए। मेरे को बताओ, नए आदमी को क्या मालूम होलसेलर किधर होता है? नए आदमी को क्या मालूम? बनाओ जैसा बनाना है, और बना दो तो फिर मिटाना मत, नहीं सर गलत हो गया, नहीं यही रहेगा। जो बना दिया बना दिया। और जिंदगी में ध्यान रखना, अगर जिंदगी में नंबर वन बनना है, किसी के साथ भी बात करो कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जाली पासपोर्ट से लोग विदेश चले जाते हैं, ओरिजिनल वाले यहीं घूमते रह जाते हैं, क्यों? ये कॉन्फिडेंस की ताकत है। जाली पासपोर्ट वाला कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, बोलता है फ्लाइट लेट क्यों हुई, मेरा अरबों का नुकसान होगा, मेरे को इमीडिएट टिकट चाहिए किसी भी फ्लाइट की, दो। वो कहता पहले इसको निकालो, कॉन्फिडेंस। अप्लाइन ए बनता है या अप्लाइन में यू? यू नहीं, मैंने बना रखा आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे। ए बनता है या यू? ए वाले हाथ खड़ा करें, नहीं संकोच खड़ा करो, मैं बना रहा हूं चार साल से दोस्त। थैंक यू। यू वाले, तो आपने मेरे को मना क्यों नहीं किया? ये गलत है। और मैं पिछले चार साल से बना रहा हूं, चार साल हो गए। बॉम्बे जैसी पढ़ी लिखी सिटी है, मेरा सेमिनार होता है वहां, 12-13 हजार लोग मेरा सेमिनार सुनने आते हैं। लेकिन दोस्त आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि ये शब्द गलत है दिनेश जी, किसी ने नहीं कहा। क्यों? दिनेश चौधरी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, उनको लगता है हो सकता है आजकल वर्ड माला ही चेंज हो गई हो, क्या पता। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, प्लान दिखाओ, मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। और एक चीज मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, इस बिजनेस में कभी भी अपना दिमाग मत लगाना, कभी नहीं, माइंड तो लगाना ही नहीं। और जिसने इसमें माइंड लगाया वो इसमें सक्सेस नहीं होगा। हर चीज में सक्सेस हो जाओगे, इसमें नहीं। अगर इसमें सक्सेस होते माइंड लगाने से तो इस बिजनेस के पहले क्यों नहीं थे? अपना दिमाग तो इसमें काम करेगा ही नहीं। और जिन्होंने लगाया बताऊं क्या होता है, जो ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए बनी है, मान लो दिल्ली जाना है कहीं भी जाना है, हमारे रतलाम से ट्रेन निकलती है शाम को बॉम्बे के लिए, जयपुर मुंबई, शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे पहुंचती है मुंबई रतलाम से। एक व्यक्ति को रतलाम से मुंबई जाना था, बड़ा इमरजेंसी काम था, जून का महीना था, ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं। उसने सोचा क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक लाइन है ऊपर बैठ नहीं सकता, बसें जाती नहीं, फ्लाइट की व्यवस्था नहीं, जाना जरूरी था। उसने सोचा अपना दिमाग लगाओ, उसने पता क्या दिमाग लगाया, प्लेटफार्म पे घूम रहा था बड़ा परेशान,
एक डब्बे के पास गया जो डब्बा खचाखच भरा हुआ था और झांक के बोलता सांप 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 सांप, और जैसे ही सांप का नाम हुआ डब्बे वाले बाहर, क्योंकि सांप से हर आदमी डरता है। डब्बा खाली, उसने कहा देखो अपना दिमाग काम आ गया, अब आराम से सोएंगे और सुबह बॉम्बे उठेंगे। चादर लेके सो गया। सुबह की 7 बजे झाड़ू लगाने वाला आया, उसने उसको उठाया, बोले भाई साहब उठो। उसने कहा क्या आ गया? उसने कहा रतलाम आ गया। उसका दिमाग खराब? उसने कहा पागल हो, अरे सुबह की 7 बजे है, बॉम्बे आना चाहिए, क्या ट्रेन चली नहीं? उसने कहा ट्रेन तो बॉम्बे पहुंच गई। बोले फिर? बोले इस रात को इस डब्बे में सांप था, यह डब्बा यहीं काट दिया गया। तो ध्यान रखना, अगर दिमाग लगाया तो डब्बा इधर ही रह जाएगा, रूबी स्टार नहीं पहुंचेगा, दिमाग तो लगाना ही नहीं। दोस्त, जो रॉयल्टी अचीवर्स हमारे सामने थे, इन्होंने इन्हीं चीजों को फॉलो किया और इसीलिए आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाद इस बिजनेस का आखिरी मुकाम होता है टेक्निकल, जहां जाने के बाद इनकम होती है लाखों रुपए पर मंथ। यहां आने के बाद आदमी को बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी मिलती है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता। क्या उन महागुरुओं से मिलना चाहोगे? Yes, जिनके ग्रुप में सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर्स, कई टेक्निकल अचीवर्स होते हैं। लेकिन इन महागुरुओं से बात करने के बाद मैं छोटी सी बात में आपको इस बिजनेस के वो टर्निंग पॉइंट बताने वाला हूं। और जो आज शुरू से आप बैठे हो, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आज आपको अर्थ मिल जाएगा इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। इनसे मिलने के बाद वो बातचीत मैं आपसे करूंगा बहुत शॉर्ट समय में, क्योंकि मेरे को भी निकलना है, मेरी ट्रेन है कलकत्ता से। लेकिन मैं उन महागुरुओं को यहां बुलाऊंगा और उन महागुरुओं के स्वागत में क्या करना चाहिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। मैं इन्वाइट करूंगा उन सारे टेक्निकल अचीवर्स को, प्लीज वेलकम एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ। आज हमारे बीच ये वो सारे महागुरु हैं जिन्होंने आज कई हजार लोगों को ये एजुकेशन दी है कि इस बिजनेस के अंदर कैसे लखपति, कैसे करोड़पति बना जाता है। क्या इन महागुरुओं से मिली इनकम? और शॉर्ट में एक मैसेज, लेकिन इनसे मिलने के बाद जो मेरी बात की स्पीच होगी, मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्त, आप आरसीएम बिजनेस करना या ना करना, लेकिन आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा। इसी क्रम में मैं इनको वन टू वन बात करा रहा हूं। लेकिन आज हमारे बीच सबके सीनियर, सब में ज्यादा एज में, जिनका आज भारत के कई कोनों में इंतजार किया जाता है। मैं भी टुंडला गया था कल, पता लगा सर का वहां प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग इनकी मीटिंगों के लिए इंतजार करते हैं और वो आज हमारे बीच में है जो दुर्गापुर से आए हैं। और एक बार जोरदार तालियों के बीच मैं माइक्रोफोन उन्हीं को दे रहा हूं। एक छोटा एक कहानी के साथ आपको एक मैसेज देने जा रहा हूं, जिसको कहा जाता है टारगेट। इस बिजनेस में टारगेट बहुत बड़ा चीज है। जो आदमी, जो डिस्ट्रीब्यूटर इस टारगेट को सही तरह से काम कर सकता है टारगेट में, उसको रूपी स्टार होना ही है, होना ही है, होना ही है। तो मैं बहुत शॉर्ट से एक कहानी सुना रहा हूं। कहानी है एक रास्ते से हाईवे से एक ट्रक जा रहा था, ट्रक के ऊपर कुछ कोल लोड किए हुए थे। ट्रक भगते रहा, कुत्ता भी साथ में पीछे पीछे भगते रहा। एक कुत्ता को देख के बहुत सारे कुत्ता भी भागने चालू किया उस कुत्ते के पीछे। इस तरह से एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाने लगा।
तो तीसरे शहर में जब गया तो उस जगह पर एक कुत्ता ने सोचा, क्या बात है, सारे कुत्ता दौड़ रहे हैं कुत्ते के पीछे में, इस गाड़ी के पीछे में रहस्य क्या है। तो कुत्ता ने सारे कुत्ते को पूछने लगा, तो क्यों भाग रहे हो? तो कुत्ता ने कहता है, वो लोग भागता है, मैं भी भाग रहा हूं। इस तरह भागते जब पूछते सामने वाला जो कुत्ता है उसका पास गया। उसी समय वो ट्रक वहां पर रुक गई, ट्रक से पोल अनलोड होने लगा, उतारने लगा, कुत्ता ने अपने पैर उठा के पेशाब कर दिया। दिस इज द टारगेट, उस कुत्ता का टारगेट था, जहां पर पोल उतरेंगे वहां पर वो पेशाब करेंगे। आपका भी टारगेट होना है, हमको रूबी स्टार होना है, रूबी स्टार होना है, तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं रुकना है। बोल चुका हूं मेरा इनकम क्या है, इनकम करने का तो बात नहीं है, आज तो मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। मेरा तो एक इंडिका गाड़ी है जिसको लेके मैं यहां पर आया हूं, और सारे बंगला में हम घूमता हूं उसी गाड़ी से। और इस साल मैंने 75,000 इनकम टैक्स पे किए हैं सारे। फ्रेंड्स थैंक यू। अभी हमारे बीच टारगेट की उन्होंने बात की, टारगेट होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और इसी क्रम में अगले नेक्स्ट टेक्निकल अचीवर्स, मैं माइक्रोफोन उन्हीं को दे रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। परिचय, राजकुमार चांडक। और वास्तवे आरसीएम बिजनेस हमें करी क्यों, सिंपल मैसेज আমার কাছে আরসিএম লোকে বলে রাইট কনসেপ্ট মার্কেটিং, আর আমি বলি এটাকে রুপিয়া ছাপনে কি মেশিন। কারণ আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, মিস্টার চান্ডক তোমার কটা সন্তান, আমি বলি আমার তিনটে সন্তান। যদি জিজ্ঞেস করে কটা মেয়ে, আমি বলি আমার এক মেয়ে 9 বছর বয়স, এক ছেলে 3 বছর বয়স, তৃতীয় সন্তান আমার কাছে আরসিএম। কারণ আমি খুব ভালোভাবে জানি সময় আসবে আমার মেয়ের বিয়ে হবে, ও অন্যের বাড়িতে চলে যাবে। এটাও ভালোভাবে জানি আমার ছেলেরও বিয়ে হবে, জানি না কেমন বৌমা নিয়ে আসবে, এসে হয়তো বলবে আমার ছেলেকে চলো এই পুরোপুরি সেবা করতে পারবো না। কিন্তু সেদিনকে এই সন্তান বলবে, পুরো বয়সে সাথী রইলাম আমি, তোমায় আমি ছাড়ব। আর বাস্তবে এটাও সত্যি কথা, আমার ছেলে সেদিনকে যাওয়ার আগে একবার না হাজার হাজার বার চিন্তা করবে, আমি আমার বাবাকে ছেড়ে যাব, তার কাছে তো রুপিয়া ছাপলে কি মেশিন আছে, সেও আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে। আর এই ব্যবসার সাকসেসের একটা ছোট্ট নমুনা বলবো, কি করলে সাকসেস হতে পারে। ইয়েস, আপ লোক খালি মুস্কুরাতে রাখো, কিছু কো দেখো হাসো, হাসতে রাখো। মেনে ক্যা কিয়া, आज से 27 साल पहले एक खूबसूरत लड़की को देख के थोड़ा मुस्कुराया था, मैंने मुस्कुराया, उसने भी मुस्कुराया। 15 साल प्यार, 12 साल शादी, 2 बच्चे, मेरी जिंदगी बदल गई। आप भी किसी को देख के मुस्कुरा दो, वो भी आरसीएम में जुड़ जाएगा, वो भी रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा, वो भी टेक्निकल अचीवर बन जाएगा, आप भी इन्वेस्टर बन जाओगे, थैंक यू वेरी मच। टेक्निकल अचीवर, माइक्रोफोन दे रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। थैंक यू। नमस्कार, नाम शम्भु দেবনাথ, বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার একটা ছোট্ট গ্রাম ঘোষপুর, একটা সাধারণ গ্রামের, একদম সাধারণ পরিবারের একটা চাষির ছেলে। 27 মাস বিজনেসটা শিখছি, শিখতে শিখতে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছি। তো আমি মেসেজ আজকে যা শিখলাম, বিশ্বাস করুন আজকে এক একটা কথা আমি যা শিখলাম, যার থেকে শিখলাম, আজকে যিনি এখানকার গুরু, প্লিজ বিগ হ্যান্ডস মিস্টার দীনেশ শর্মা। আর এই বিজনেসে যিনি সবসময় আমাকে কী বলবো গাইড করেন পিতার মতো, প্লিজ বিগ হ্যান্ডস মিস্টার প্রবীর কুমার রায়।
আর যিনি আমার গুরু, আপনাদের সবার গুরু, তিনি আজকে এখানে নেই, যেখানেই থাকুক, প্লিজ বিগ্যান্স মিস্টার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তো একটা ছোট্ট কথা বলবো, আজকে যারা এখানে এসছেন প্রত্যেককে সৌভাগ্যবান, কারণ আর্টসিন বিজনেসের যত রুবিস্টার তৈরি হয়েছে এরকম সেমিনার থেকে তৈরি হয়েছে। আজকে যারা এসছেন প্রত্যেকে রুবিস্টার হতে এসছেন, রুবিস্টার হতে এসছেন, রুবিস্টার হতে। সেই জন্য ঈশ্বর আল্লাহ দিয়ে টু প্রুভ সামথিং উইথ আস, যারা এসছেন তাদেরকে ঈশ্বর আল্লাহ নিয়ে এসছেন। থ্যাংক ইউ, গুড আফটারনুন। থ্যাংক ইউ। আর আমার নেক্সট টেকনিক্যাল অ্যাচিভার মাইক্রোফোন মে উনি কো দে রহা হুঁ, আপকি জোরদার তালি হোগি। থ্যাংক ইউ। নাম শ্যামল মন্ডল, উত্তর চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট, ইছাপুরে বাড়ি। আমি এই বিজনেসে 26 মাস ধরে জয়েন করেছি। আমি এই বিজনেস জয়েন করার আগে আমি এটা কাপড়ের ব্যবসা করতাম, কিন্তু আমার মনে বহু স্বপ্ন ছিল, আমি জীবনে অনেক কিছু করব, কিন্তু তার পথ পাইনি। আমাকে একমাত্র পথ দিয়েছে আরসিএম বিজনেস, যেখান থেকে আমি জীবনে স্বপ্ন সফল করব। থ্যাংক ইউ। অর নেক্সট অর লাস্ট টেকনিক্যাল অ্যাচিভার, একবার জোরদার তালিয়া। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, নাম মোহাম্মদ সাইনুল হক। আসিম বিজনেসের আগে আমার জীবনটা খুব অন্ধকারে ছিল, আজকে আমি স্টেজে দাঁড়িয়ে আছি ঠিকই, বাস্তবতা আমার চোখ দিয়ে জল আসছে। 1500 টাকার জন্য লোকের পা জড়িয়ে ধরেছি, দুবেলা খাওয়া হতো না, বাবা 37 বছর চাকরি করতেন, আমিও স্কুলে চাকরি করতাম, সেই স্কুলে আমাকে বেতন দিত না। যেদিন আমি আসিম বিজনেস শুরু করলাম, যিনি আমাকে এই জায়গায় এনেছিলেন টানার জন্য, একবার দিল খুলে হাত ধরে দেবেন মিস্টার শম্ভু দেবনাথ। যেদিন আমাকে আসিম বিজনেসে নিয়ে এলো, আমাকে হাজার লোক আমাকে তখন বলছে তুমি করো না, হবে না, হবে না, আর আমি প্রতিদিন শুধু দুঃখের কথা ভাবছি, আর আমি কাজ করে যাচ্ছি, 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 কাজ করে যাচ্ছি। যেদিন আমি রয়্যালটি হলাম, যারা বলছিল হবে না তোর দ্বারা, তুই পারবি না, তোর বাবা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতো, তুই মোটর সাইকেলের স্বপ্ন দেখিস না কোনোদিন, ওসব ছোট জিনিস। যেদিন আমি প্রথম রয়্যালটি অ্যাচিভার হলাম, তারা এরকম কালে চর মেরে বলছে বাবুর কাছে বোকা বেনে গেলাম, বাবুর কাছে বোকা বেনে গেলাম। যেদিন আমি টেকনিক্যাল অ্যাচিভার হলাম, যেদিন আমি কোট প্যান্ট টাই পরে আমার গর্ব দাইনি মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে, মা তখন চোখ মুছতে মুছতে বলছে আমি পৃথিবীতে তোকে জন্ম দিয়ে আমার সার্থক জীবন হয়েছে, তুই বড় হ, তুই বড় হ, বড় হ। আসিম বিজনেস আমার সাকসেসের একটাই উদ্দেশ্য, টাকা কামানো নয়, একটাই মাত্র উদ্দেশ্য, যে মা আমাকে পৃথিবীতে ধরে এনেছেন, যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, সেই মার নামটা সারা ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে, ওই ভবন মা, এইটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। টোটাল ইনকাম করেছি আসিম বিজনেস থেকে 1.5-2 টাকার জন্য লোকের হাতে 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 পাত ধরেছি, টোটাল ইনকাম থেকে আসিম বিজনেস থেকে ইনকাম করেছি নেই নেই করে 9 লক্ষ টাকা এই আসিম বিজনেস থেকে। সকলকে নমস্কার। দীনেশ চৌধুরীজির আমি একটা মিটিং শুনেছিলাম সুরাটে, সেকেন্ড আমি দীনেশজির মিটিংটা নিলাম। জীবনে আসিম বিজনেসে 100 কাছাকাছির মিটিং শুনেছি, সেই রাজস্থান, সেই বিহার, সেই পুরী, সেই পবিত্র দুর্গাপুর, কিন্তু আজ 28 মাসে আমার জীবনে অনেক কিছু পেলাম। যেদিন আমি দীনেশজিকে কোনো দিন শোধ করতে পারবো না, আমার পরিবার দীনেশজির কাছে ঋণী হয়ে গেল। দীনেশজির জন্য একবার জোরদার হাততালি সকলে দেব। এই বলে আমি আলোচনা শেষ করে দিলাম। থ্যাংক ইউ। একবার ইন মা গুরুওকে লিয়ে প্লিজ জোরদার তালিয়া। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ একবার ইনকে লিয়ে জোরদার তালিয়া, প্লিজ ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। চাহতে হো ইয়াহ তক পৌঁছনা দোস্ত, আজ কে 4 সাল পহলে মেনে ইসি সফর কো স্টার্ট কিয়া থা, মেরা পহলা স্টেটমেন্ট থা 416, আগলে মহিনে 738, তীসরে মহিনে 1154, ওর আজ আগর মে আপনি ইনকম কি বাত করতা হুঁ, হালাকি বাত আপকো হজম নহীঁ হোগি, আজ আরসিএম মেরে কো 1 মহিনে কে অন্দর ইনকম ট্যাক্স কাটনে কে বাদ জো ইনকম পৌঁছাতা হ্যায় ও 1 মহিনে কি হ্যায় 5,31,000।
और इसी महीने मेरे को गर्व है इस बात का। मैं आपको इसलिए ये इनकम नहीं बता रहा कि आप मेरी इनकम को देखकर प्रभावित होना, नो। मैं आपको चेक इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी इनकम को देखकर आप बिजनेस करना, नो। दोस्त, जब मैं अपने आप से कभी कभी अपना प्रश्न पूछता हूं, जब मैं एकांत में बैठ के अपने अंदर के इंसान से बोलता हूं और मैं पूछता हूं, दिनेश चौधरी, आज के 4 साल पहले की तू तेरी जिंदगी देख, आज के 4 साल पहले तू केवल जिस गवर्नमेंट के लिए काम करता था 8 घंटे, वो गवर्नमेंट सिर्फ तेरे को 2075 रुपए दिया करती थी, और आज उसी गवर्नमेंट को तू हर महीने 25,000 इनकम टैक्स देता है। दोस्त, जब एकांत में बैठता हूं तो मेरे अंदर का इंसान बोलता है, मेरे को गर्व होता है अपने बात अपने आप पर, जब मेरे अंदर का इंसान बोलता है, दिनेश चौधरी तू सोच, आज तेरी एजुकेशन एक कलेक्टर से 25 गुना कम है और तेरी इनकम आज एक कलेक्टर से 25 गुना ज्यादा है, और एक कलेक्टर को तो सिर्फ एक जिला पहचानता है, दिनेश चौधरी आज तेरे को ये भारत पहचानता है। ये सब कुछ आपको ये बिजनेस दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। इसी महीने में इस बिजनेस से करोड़पति बना, और दोस्त मैं आज इसीलिए आया हूं, क्या आप चाहते हो इस बिजनेस से करोड़पति बनना? चाहते हो रूबी स्टार बनना? इसके लिए ठानना पड़ेगा, ठानना। ठान सकते हैं? किसको कहते हैं ठानना? दिल में लेना, दिल में लेना, यस, ओके। पर ठानना कुछ और है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं, यस, ओके। पर ठानना कुछ और है, जो सोच लिया वो करके दिखाना, यस, ओके। पर ठानना कुछ और है, यस, टारगेट, यस, ओके। पर ठानना कुछ और है। मैं आपको बताता हूं किसको कहते हैं ठानना। एक 45 किलो के व्यक्ति ने इस देश को राजनीतिक आजादी दिलाई, कौन थे? महात्मा गांधी जी। कैसे दिला दी, सोचो आप। जिस समय एक अंग्रेज ने उनको ट्रेन से फेंक दिया था, भला करे भगवान उस अंग्रेज का जिन्होंने उनको ट्रेन से फेंक दिया। उस समय प्लेटफार्म पर पड़े हुए गांधी जी ने अपने मन में यह ठान लिया था कि तूने मेरे को ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं तेरे को हिंदुस्तान से फेंक दूंगा। कोई बता सकता है इस देश को आजाद होने में कितने साल लगे? 200? नो। ये देश उसी दिन आजाद हो गया था जिस दिन गांधी जी ने ठान लिया था। 200 साल तो प्रोसेस में लगे हैं दोस्त। जिस रोशनी को आज आप देखते हो, ये हिसाब हमने लगाया कि 10,000 बार में एडिसन ने इसका आविष्कार किया। नो, लाइट उसी दिन बन गई थी जिस दिन एडिसन ने ठान लिया था। 10,000 बार प्रोसेस में लगे हैं, और आज उस भगवान को साक्षी मानकर आप यहां से ठान के जाना कि मेरे को रूबी स्टार बनना है। 2 साल प्रोसेस में लगेंगे, रूबी स्टार आज ही बनोगे, आज ही बनोगे। मैंने ठाना था एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर्स बनना है, मैं बना। मैंने ठाना था एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर्स बनना है, मैं बना। मैंने ठाना था एमपी का पहला रूबी स्टार बनना है, मैं बना। और मैंने ठाना था एमपी का पहला करोड़पति बनना है, मैं बना। ठानना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, दिनेश चौधरी तुम इतने सफल कैसे हो गए? दोस्त, अंदर एक आग जल रही थी। किसी भी चीज को पाने के लिए एक बर्निंग डिजायर चाहिए, जलती हुई आग, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। आपको पता है मजनू को लैला मिली? Yes. क्यों? आप और हमको तो नहीं मिली, क्यों? क्योंकि मजनू ने ठाना था और हमने नहीं ठाना। मजनू ने कहा समाज विरोध करे नो प्रॉब्लम, घर वाले विरोध करे नो प्रॉब्लम, देश विरोध करे नो प्रॉब्लम, मेरे को लैला चाहिए। उसको मिल गई, स्ट्रांग बर्निंग डिजायर थी। हमें नहीं मिली, हमें तो जो चाहिए थी वो भी नहीं मिली, वो भी किसी और को ही मिल गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं थी उसको पाने की। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर चाहिए, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। आज यहां से स्ट्रॉन्ग एक ठान के जाना। ठान सकते हैं? यस। दोस्त, आज बहुत सारे नए दोस्त हैं, मैं एक चीज आपको बता दूं, आज यहां बहुत सारे नए दोस्त आए होंगे। आज अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लेना, आज निर्णय, क्या या तो मेरे को करना है या फिर नहीं करना।
आपका दिल बोलता है करना है, आपका दिमाग बोलता है करना है तो करना है, फिर दुनिया भी मना करे तो रुकना मत। और आपका दिमाग बोलता है और आपका दिल बोलता है नहीं करना, दुनिया भी कहे तो फिर कभी करना मत। डिसीजन आपका होना चाहिए। डॉक्टर बनना हो डिसीजन किसका होना चाहिए? अपना। और मिलो किससे? जो डॉक्टर बन चुके हैं। आईएएस बनना हो डिसीजन खुद का। और मिलो किससे? जो आईएएस बन चुके हैं। आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है डिसीजन खुद का लेना, और मिलो उनसे जो आरसीएम में सफल हो चुके हैं। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? जाके पड़ोसी को पूछते हो आरसीएम कर लूं क्या? क्या बताएगा? अरे अगर आईएएस बनना है, एक सड़क पे जाते हुए रिक्शा वाले को पूछ दो भाई साहब रुको, वो कहेगा बताओ आईएएस बन जाऊं क्या? वो कहेगा पागल है रिक्शा चला। जिनको इसका नाम भी याद नहीं है कभी उनसे राय मत लेना। एक बार मैं किसी को ट्रेन के अंदर प्लान दिखा रहा था, ट्रेन के अंदर एक भाई साहब पास में बैठे थे, मेरे को बोलते हैं राम सीएम की बात कर रहे हो क्या? राम सीएम? मैंने कहा आपको किसने बताया? बोले एक व्यक्ति कई बार बताने आया पर मैंने किया नहीं। मैंने कहा अच्छा किया नहीं किया? बोले क्यों? मैंने कहा मैं राम सीएम की नहीं, मैं तो भोले शंकर की बात कर रहा हूं। बताओ जिसको नाम याद नहीं है वो क्या बताएगा? कोई यहां आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब है आंखों के स्पेशलिस्ट? नो, हो तो मैं माफी चाहूंगा। एक बार एक मां अपने बच्चों को एक डॉक्टर साहब के पास लेके गई, आई स्पेशलिस्ट थे। मां ने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को एक के दो दिखते हैं, मेरे बच्चे को एक के दो दिखते हैं। तो डॉक्टर साहब का जवाब था तुम चारों को एक ही बीमारी है क्या? क्योंकि उनको दो के चार दिखते थे। मेरे को बताओ उस बच्चे का इलाज उनसे करवाओ क्या बच्चा ठीक हो सकता है? सोचो आप किससे पूछते हो बिजनेस के बारे में? दोस्त उनसे पूछना जो इसमें सफल हुए हैं। डिसीजन लो। सेकंड चीज विश्वास। विश्वास करना पड़ेगा। मार्केट में कोई टेबलेट आती है क्या विश्वास की? टेबलेट आती है क्या? पांच खाओ विश्वास ही विश्वास नहीं आती है। नहीं आती। कहां से लाओगे इसको? कहां मिलेगा ये? जिंदगी में ध्यान रखना विश्वास तीन चीज से होता है, सुनने से, सेकंड देखने से और थर्ड करने से। अभी मेरी बात का विश्वास ना हो मत करना, नो प्रॉब्लम। और सुनो, आपके यहां 12 नवंबर को बहुत बड़ा फंक्शन है इंडिया लेवल का। सुनो, पूरे भारत के सक्सेसफुल लोग आएंगे। फिर भी विश्वास ना हो तो फिर देखने से होगा। कंपनी देखो, कंपनी के मालिक को देखो। फिर भी विश्वास ना हो तो दोस्त करना पड़ेगा। आज यहां आए हो विश्वास था। आज मैं पहली बार कलकत्ता आया हूं, मेरे को विश्वास था। मेरी सुबह दिल्ली से फ्लाइट थी, मेरे को विश्वास था मैं कलकत्ता पहुंचूंगा। विश्वास करना पड़ता है। एक बार की घटना बताऊं, एक एयर क्रैश हुआ, 250 लोग थे, मर गए सारे के सारे। बहुत बड़ा दुर्घटना विमान, सारे लोग मर चुके थे, लेकिन उसमें कोई पालतू बंदर को सफर करा रहा था। डॉक्टर जब वहां पहुंचे उन्होंने सोचा ये प्लेन टकराया किस कारण से, उसका पता नहीं लग रहा था क्योंकि रडार की पकड़ के बाहर था। डॉक्टरों ने सोचा अगर ये बंदर पालतू है इसको बचा लिया जाए तो हो सकता है ये हमें कुछ जानकारी दे। बंदर को बचा लिया गया, उसका इलाज हुआ, बंदर स्वस्थ हो गया। बंदर को इशारे में पूछा गया जिस समय ये प्लेन टकराया यात्री क्या कर रहे थे? बंदर ने इशारा किया, क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया इसके हॉस्टेस देखभाल वाले लोग क्या कर रहे थे? बंदर ने कहा वो भी खाना खा रहे थे। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया इसका पायलट क्या कर रहा था? बोले वो भी खाना खा रहा था। बोले जिस समय ये प्लेन टकराया उस समय तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं चला रहा था और इसीलिए टकरा गया। लेकिन बताओ यात्रियों को क्या विश्वास था कौन चला रहा है? पायलट इसीलिए बैठ गए। और रास्ते में उनको बैठते समय कोई ये कह देता कि भैया बीच में बंदर भी चलाएगा, बैठता एक भी? नो। ईमानदारी से बताओ ट्रेन में सफर करते हो कितने लोग हैं जो डब्बे के बैठने के पहले इंजन को झांक के देखते इसको कौन चला रहा है? बताओ कभी देखा आपने? नहीं। जरूरी है उस इंजन में आदमी हो? नहीं। ऊं भी तो हो सकता है।
क्यों नहीं चेक किया आज तक आपने? मान लेते हैं आदमी भी हो, क्या आपका दोस्त है? क्या आपका रिश्तेदार है? हो सकता है आपका दुश्मन भी हो। अरे दोस्त, कभी ध्यान से सोचना, एक अनजान व्यक्ति को अपनी जिंदगी हाथ में दे देते हो, कोई गारंटी है वो छोड़ दे? दुश्मन ने तो टकरा भी सकता है। अरे जब एक आदमी को अपनी जिंदगी दे देते हो विश्वास पर, और जिस बिजनेस से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, फिर उस पर विश्वास क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पता है ट्रेन में विश्वास क्यों है? 1000 लोग बैठे हैं, आपको पता है जहां ये पहुंचेंगे वहां मैं भी पहुंचूंगा, इनका विश्वास है। तो दोस्त, अगर 1000 लोगों पे अपनी जिंदगी का विश्वास है, तो इसमें तो 50 लाख से ज्यादा लोग चल रहे हैं। जहां ये पहुंचेंगे फिर वहां आप भी पहुंचोगे। विश्वास करना पड़ेगा। तीसरी चीज धैर्य, पेशेंस। धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन नए लोग क्या करते हैं, फार्म भरते भरते, सर चेक कब आएगा? फार्म भरते भरते चेक चाहिए, फार्म भरने से कभी चेक नहीं आता। पेशेंस रखो, इस दुनिया में कोई भी रातों रात लखपति नहीं बना, ना हम बने ना आप बने, सबको समय लगा है, ना टाटा बिरला मोदी बने, समय लगता है। पेशेंस रखो। और चौथी चीज लक्ष्य, मैं इस पर कई बार बात करता हूं, आपने सुना है हर आदमी किसके पीछे भागता है? लक्ष्मी, पैसा। आप सब पढ़े हुए दोस्त यहां बैठे हो, आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा लक्ष्मी का संधि विच्छेद होता है लक्ष्य प्लस मी इक्वल टू लक्ष्मी, यानी मी माने मेरा, लक्ष्य माने टारगेट। अरे पहले आप अपना टारगेट तो बनाओ, बगैर टारगेट के कभी भी लक्ष्मी नहीं मिलती। और हमारा टारगेट होता ही नहीं, हम दौड़ रहे हैं दिन रात दौड़ रहे हैं। किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो, सब कर रहे हैं ना, इसलिए मैं भी कर रहा हूं। बिजनेस क्यों कर रहे हो, सब कर रहे हैं ना। कहां पहुंचोगे, जहां ये पहुंचोगे? नो, कुछ नहीं हो सकता, आपका अपना टारगेट होना चाहिए। मैं एक छोटी सी लक्ष्य के ऊपर बात करता हूं आपको, टारगेट। एक बार दो दोस्त स्टेशन पे पहुंचे, एक ने कहा भूख लग रही थी, बोले नाश्ता कर ले, दूसरा बोला ट्रेन आने वाली है, एक ने कहा आधा घंटा बाद आएगी, उसने कहा कर लो, ट्रेन आ गई, उसने कहा आधा घंटा रुकेगी। वो नाश्ता करने लगे, ध्यान नहीं दिया, ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन की स्पीड 30 हो गई तो कुली ने आवाज लगाई, अरे भैया तुम्हारी ट्रेन निकल गई। दोनों दौड़े, दौड़ते गए। जब प्लेटफार्म का लास्ट कोना आया, एक तो लटक गया, एक चढ़ गया और एक रह गया। और जो रह गया वो इतना हंसा, हंसते हंसते पागल। सारे लोग इकट्ठे हो गए, बोले इसकी ट्रेन निकल गई, एक दोस्त चला गया और ये हंस रहा है। उससे पूछा भैया हंस क्यों रहे हो? वो बोलता है वो तो बैठाने आया था, जाना मेरे को था। और आज हम भी दिन रात दौड़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें बैठना है या बैठाना है, दिन रात भाग रहे हैं। टारगेट डिसाइड करो, क्या चाहिए। और दोस्त, ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है, क्या क्या दे सकता है? बात पैसे की नहीं है, बहुत पैसा है इस सिस्टम के अंदर, मनी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। मैं आपको बताऊं मैं इस बिजनेस में क्यों आया, मेरा टारगेट बताऊं क्या? दोस्त, मेरा अपना एक संकल्प था कि 5 साल तक दिनेश चौधरी बिजनेस करूंगा अपने लिए, 5 साल बाद करूंगा इस देश के लिए। और मेरा अपना टारगेट था 1 साल और पूरा होना बाकी है। 1 साल के बाद आरसीएम मेरे को जितना भी चेक देगा हर महीने आधा चेक मैं इस देश के लिए डोनेट करूंगा। ये मेरा शुरू से संकल्प था। अगर 18 लाख का देगा तो 9 लाख दूंगा उस महीने, अगले महीने 15 का आया 7.5 लाख दूंगा, 20 का आया 10 लाख दूंगा, जितना भी देगा आधा डोनेट करूंगा। ये मेरा शुरू से संकल्प था अपना। और दोस्त, यही एक ऐसा बिजनेस है जो आपको इस लायक बना सकता है, इस देश के लिए काम आओ, इस समाज के लिए काम आओ, अपने परिवार के लिए काम आओ, सब कुछ दे सकता है। मनी बहुत है, रिलेशन, पहचान मिलती है आपको। कितने दोस्त हैं जो मेरे को आरसीएम के पहले पहचानते थे? यहां कोई हाथ उठाएगा आरसीएम के पहले? No. और आज मेरे को हिंदुस्तान में 50 लाख लोग पहचानते हैं इस आरसीएम के थ्रू। 50 लाख, पहले मैं पहली बार आया हूं, फिर भी मेरे को यहां बहुत सारे लोग जानते होंगे आरसीएम से। इतना रिलेशन मिलता है, रिकॉग्निशन। आपको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, हजारों लोग आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। क्यों? उनको पता है ये जो भी बोल रहा है हमारे घर में कुछ देने के लिए बोल रहा है। और दोस्त, हर आत्मा का दर्द है मैं बोलूं और लोग सुने। आपको पता है जर्मनी के अंदर लोग डॉक्टरों को फ्री की फीस देते हैं रिकॉग्निशन के चक्कर में। एक पेशेंट गया डॉक्टर साहब को, बोलता है ये 100 रुपए लो फीस के। डॉक्टर साहब ने कहा बताओ कैसे आए? उसने कहानी सुनाई।
डॉक्टर साहब 10 दिन पहले सर दुखा, 9 दिन पहले ये हाथ दुखा, 8 दिन पहले ये दुखा, 7 दिन पहले पैर दुखने लगे, 6 दिन पहले सर्दी हो गई, 5 दिन पहले छींक आई, 2 दिन पहले बुखार आ गया, 1 दिन पहले हड़कल हो गई। डॉक्टर साहब ने 45 मिनट तक कहानी सुनाई उसने, 45 मिनट। डॉक्टर साहब ने कहा चेक करो, रिपोर्ट में लिखा हुआ आया ओके तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने कहा ये तो मैं जानता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा तुम जानते हो? बोले हाँ। बोले फिर तुम मेरे पास आए क्यों और 100 रुपए क्यों दिए? तो वो बोलता है डॉक्टर साहब घर वाले तो 5 मिनट सुनने को तैयार नहीं, तुमने 45 मिनट तो सुना। और दोस्त वो आत्मा का दर्द यहां पूरा हो सकता है, यहां पूरा हो सकता है, रिकॉग्निशन मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, आदमी को इंसान बना देता है ये बिजनेस। इंसान आदमी तो बहुत मिलेंगे दुनिया में आपको, इंसान नहीं मिलेंगे। कितने लोग हैं जिनके घर आरसीएम से खुशियां आई है? पैसा नहीं, खुशी। जहां परिवार खुश है आज, वेरी गुड। दोस्त आज मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, एक ही लड़का है मेरा 10 साल का, एक ही पत्नी है, दोनों बहुत खुश हैं। मेरी पत्नी मेरे को बोलती है पैसा, पैसे से खुश नहीं है। वो कहती है मेरे को इस बात की खुशी नहीं है आपके पास 4 कारें 3 बंगले और आपकी इनकम 5.25 लाख पर मंथ है। नो, मेरी पत्नी एक ही बात बोलती है, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे को खुशी इस बात की है आप सुधर गए। तो आप ये मत सोचना मैं पहले बिगड़ा हुआ था, ऐसा नहीं है। मेरा लड़का है 10 साल का, पता है मेरे को क्या बोलता है? आप पहले वाले ही पापा हो क्या? आप ये मत समझना पहले दूसरे थे, पहले भी मैं ही था। क्यों बोलता है वो ऐसा पता है? आज के 4 साल पहले मैं उसको मारता बहुत था, बहुत पीटता था, आज मैं उसको प्यार बहुत करता हूं, इस बिजनेस ने सिखाया। पहले बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, 4 साल से आज तक किसी ने मेरी जवान से हल्का शब्द नहीं सुना, और 4 साल पहले हल्के शब्द के बगैर मैं बात नहीं करता था। इस बिजनेस ने बहुत चेंज किया है, सब कुछ, पहनना, चलना, बोलना। आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो? Yes. जाते हो? मेरे से अच्छा समझाओ, 5 घंटे समझाओ, और सुनने के बाद वो कहते अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, गुस्सा नहीं आता? No. आता है? Yes. इच्छा तो ऐसी होती है इसको कहीं एक तरफ कोने में ले चलो और उधर पूछेंगे क्या समझ में नहीं आया, होती है। Yes. पर आप गुस्सा करते नहीं, नहीं करते, क्योंकि आपको पता है बिजनेस ही सहनशीलता का है। आप पता है गुस्से के अंदर भी अपने चेहरे पे हंसी लाने की कोशिश करते हो, इसको क्या अच्छे असर क्या है? मेरी अप्लाइंस मिलाऊंगा सर, वो बहुत अच्छा, मैं कलाता हूँ सर। ओके, कोई बात नहीं, बताओ। बार बार हंसी लाने की कोशिश करते हो, आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो अपने परिवार भी हमेशा हंस के बात करोगे, सब कुछ चेंज हो सकता है। टेंशन फ्री लाइफ स्टाइल कुछ लगा हुआ? नो। किसी बिजनेसमैन को मिलो टेंशन में, ग्राहकी मंदी चल रही है, ग्राहक ही नहीं आ रहे, उधारी में पैसा डूब गया, लेकिन यह टेंशन फ्री। और दोस्त जिन शब्दों से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, और यही मैं आपको बता रहा हूं, आपके ये बिजनेस समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा इस बिजनेस से मेरे को प्रभावित किया दुआ, दुआ। हजारों लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं, क्यों? आप हजारों लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने के माध्यम बनते हो, बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा पहुंचाने के माध्यम बनते हो। मैं सफर करता हूं पूरे भारत में, ज्यादातर मैं कार से घूमता हूं। मेरी दोस्त आप विश्वास नहीं करोगे, आज मैं जिंदा हूं, मेरी कार 1-1 इंच बची है, कई बार 1-1 इंच, कभी ट्रक से कभी बस से। और आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मैं इस बात से जिंदा हूं क्योंकि आज 5 लाख लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, इनकी दुआओं ने आज मेरे को जिंदा रख रखा है, सिर्फ इस वजह से। और दोस्त सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में मिलती है सुरक्षा, सिक्योरिटी। कार में कितने व्हील होते हैं? कार में चार, पांच, एक पीछे स्टेपनी है। आप बताओ वो स्टेपनी क्यों है? चाहता तो कार का मालिक नहीं रखता, क्यों रखी है? वो उस कार की सुरक्षा है, कभी वो कार पंचर हो जाए तो स्टेपनी लगा के आप अपने परिवार को सुरक्षित पहुंचा सको। मेरे को एक चीज बताओ, दिन रात दौड़ते हो यूं? दिन रात किसके लिए? पत्नी, मासूम बच्चे, बूढ़े माँ बाप। आपने कभी सोचा है आपके बाद इनकी कोई स्टेपनी है? अरे दिन रात दौड़ते हो, कहीं कुछ भी हो सकता है। दोस्त ये बात मेरे को कहनी अच्छी नहीं लगती, मेरे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, मैं इस बात को कहना नहीं चाहता। आज एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माँ बाप से मिलकर निकलता है
और दोस्त पता लगता है रात को घर नहीं आया, वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। सोचो आप, कभी नहीं सोचा हमने। अरे बम ब्लास्ट हो जाते हैं, हजारों लोग, दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती है, हजारों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अभी बॉम्बे बम ब्लास्ट हुआ, दोस्त उन मासूम बच्चों से पूछना जिनके माँ बाप उस हादसे में मारे गए, उन माँ बाप से पूछना जिनका सिर्फ एक लड़का था, इकलौता था, जान से प्यारा था, वो उस हादसे में मारा गया। उस विधवा औरत से मिलो जिसका पति घर वापस नहीं आया। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, अमर कोई नहीं है, जाना सबको है। लेकिन आज हम इस दुनिया से इस बिजनेस को करने के बाद गए तो हमारे परिवार को इस बात का दुख तो होगा कि आज हम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पता है क्या होगा, आज आपके घर में किसी ने दीपक जलाया और आपने हजारों दीपक जलाए, क्या आपके दीपक की लो कम हो गई? अरे रोशनी बढ़ गई। दोस्त मैंने आज 5 लाख जलाए हैं, क्या मेरे दीपक की लो कम हो गई? रोशनी बढ़ गई। और मैं जब तक जिंदा हूं मैं जलाऊंगा, जब तक जिंदा हूं जलाऊंगा। और दोस्त भगवान गलती से ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी आंधी और तूफान के कारण ये दीपक बुझ भी गया तो ये जलाए हुए लाखों दीपक कभी आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे, कभी अंधेरा नहीं होने देंगे। आपने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, आज आप यहां आए हो। सोचो आप, जो पत्नी घर है, जो माँ बाप आपके घर है, जो बच्चे घर है, आपके एक एक सेकंड का इंतजार करते हैं वो वापस लौटने का। आपकी पत्नी एक एक क्षण का इंतजार करती है आपके वापस लौटने का। आपके माँ बाप एक एक पल का इंतजार करते हैं आपके वापस लौटने का। दोस्त मेरे बच्चे को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा, मेरी पत्नी को पता है मैं 18 तारीख को रतलाम पहुंचूंगा। लेकिन आज मेरा बच्चा सुबह मेरे को 6 बजे फोन करता है, रोज करता है। वो मेरे को एक ही बात बोलता है, पापा आप घर कब आ रहे हो? मैंने कहा बेटा तेरे को कोई तकलीफ है क्या? ड्राइवर है, कार है, हुआ तेरे को क्या? नहीं पापा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप घर कब आ रहे हो? दोस्त उसकी आवाज मेरे दिल के अंदर जाती है, मैं पहचानता हूं उसकी आवाज का दर्द। वो एक एक सेकंड इंतजार करता है वो मेरे घर वापस आने का। मेरी पत्नी रोज रात को 9 बजे मेरे को फोन करती है, बोले आप ट्रेन में संभल के जाना, आप प्लेन में संभल के जाना। उनको पता है मैं 4 साल से दौड़ रहा हूं, मैं नादान नहीं, बच्चा नहीं हूं, मैं अनजान नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनको इंतजार है मेरे घर वापस लौटने का। लेकिन दोस्त कभी भी हमने इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप बिजनेस करो, नो। लेकिन दोस्त मेरी एक चीज को ध्यान से सुनना, कभी भी रात को 1 बजे आपकी आंख खुलती है पानी पीने के लिए, एक बार इस पत्नी के बारे में सोचना जो दूसरे का परिवार छोड़ के आपके पास आई है। इसने अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे माँ बाप को अपना माँ बाप माना। इन मासूम बच्चों के बारे में सोचना जिनको जन्म दिया है आपने, क्या जन्म देना ही हमारा अधिकार है? एक बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो ना सुबह उंगली पकड़वा के, और एक बच्चा कार से उतरता है, उस समय आप अपने बच्चे का चेहरा देखना, आपके बच्चे का चेहरा उतर जाता है, उसके अंदर की आत्मा रोती है, वो हमसे बोल नहीं पाता क्योंकि उसको पता है मेरे पापा की हैसियत कार लेने की नहीं है, लेकिन उसका दिल रोता है। उसकी कभी भी हमने भावनाओं को नहीं समझा। और दोस्त वो कार वाला बच्चा उसको अंदर जाने के बाद बोलता है, क्या तेरे पापा के पास कार नहीं है? लेकिन हमारे बच्चे को हमारे से इतना बड़ा विश्वास है, वो बहुत गर्व के साथ बोलता है, एक दिन मेरे पापा तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे, तेरे से भी लंबी कार लेकर बताएंगे। दोस्त इन माँ बाप के बारे में सोचा है जिन्होंने जन्म दिया है हमें? आप जानते हो एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको कितने डेसिबल का दर्द होता है? यहां कोई डॉक्टर साहब है क्या? कोई है नहीं तो मैं आपको बताऊं, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है उसको 12 डेसिबल का दर्द होता है, 12 डेसिबल का। लेकिन साइंस बोलती है 10 डेसिबल दर्द की अंतिम सीमा है, अंतिम। मेरे को बताओ फिर 2 डेसिबल का दर्द वो माँ कैसे सहन करती है? 10 के बाद तो आदमी मर जाता है। क्यों? उसको पता है एक नन्ना मुन्ना बच्चा मेरे आंगन में जन्म लेगा, जब ये बड़ा होगा और जो सपने मैंने देखे हैं मैं तो पूरा नहीं कर पाई, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा करेगा, मेरा बच्चा उन सपनों को पूरा। और दोस्त ये सब कुछ देखने के बाद आपके अंदर का इंसान बोलता है मेरे को ये बिजनेस करना चाहिए, तो आप करना और 5 साल तक छोड़ना नहीं। और आपके अंदर का इंसान और आपकी आत्मा गवाही ना दे, आप इस बिजनेस को बिल्कुल मत करना, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मैं एक लास्ट में अपनी बात बता रहा हूं, इसके साथ मैं बात को खत्म करूंगा। और आपके अंदर का दिल अगर बोलता है करना है तो करना। आज आप बिजनेस करते हो, कभी उतार चढ़ाव आएंगे, कई बार आएंगे, कई बार आप गिरोगे, कई बार आपको लगेगा। आज मेरे पास बहुत फोन आते हैं, सर हम बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत चैलेंज आ रहे हैं। दोस्त एक बार की बात है, एक बच्चा स्कूल जाता था,
स्कूल जाते समय वो अपने पापा को बोलता था, पापा सबके पापा स्कूल में आते हैं, आप कभी भी मेरे स्कूल में नहीं आते, पापा प्लीज एक बार आप मेरे स्कूल में आओ। वो बार बार बोलता था, बार बार बोलता था, लेकिन उसके पापा कभी भी स्कूल में नहीं जाते थे। उसने एक दिन अपने पापा से कहा, पापा क्या मेरे से कोई गलती होगी, पापा क्या मैंने ऐसा कोई गुनाह कर दिया जिससे आप मेरे से नाराज हो पापा, अरे सबके पापा आते हैं पापा, सब बच्चे मेरे को बोलते हैं, आप क्यों नहीं आते। लेकिन दोस्त उसके पापा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन उस बच्चे ने रेस में भाग लिया और जब वो अपने घर से निकलता है तो अपने पापा के रूम में जाता है और उनके पैर छू के बोलता है, पापा आज मेरे को आशीर्वाद दो, आज मैंने एक रेस में भाग लिया है और आज मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं आज आपको जीत कर दिखाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं आज स्कूल में पहला नंबर लाऊंगा, लेकिन पापा आज आज मेरे लिए एक बार आना, आज सबके पापा आएंगे, पापा आज आप मेरे लिए आना। दोस्त उसके पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लेके स्कूल चला गया। जब रेस की तैयारी होती है, पहली सीटी बजती है, चारों तरफ उसकी निगाह गई, उसको सबके पापा नजर आए लेकिन उसके पापा उसको नजर नहीं आए। दूसरी सीटी बजी, उसको सबके पापा नजर आए लेकिन उसको उसके पापा नजर नहीं आए। जैसे ही तीसरी सीटी बजी और तैयारी थी रेस की, उसके पापा उसको नजर आए। दोस्त उसके अंदर इतनी खुशी आई, उसने कहा, आज पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए, किसी भी कीमत पर जीत कर बताना है। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे और वो इतने उत्साह के साथ दौड़ता है, इतने कमिटमेंट के साथ दौड़ता है कि वो गिर जाता है। गिरते ही फिर उसको याद आता है, आज पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए हैं। वो दोबारा दौड़ता है, दोबारा गिर जाता है। फिर उसको याद आता है, पहली बार मेरे पापा मेरे को देखने आए, तीसरी बार दौड़ता है फिर गिर जाता है। चार बार उठा, चार बार गिरा, पांचवी बार उठा फिर गिरा, छठी बार उठा फिर गिरा, सातवीं बार उठा फिर गिर गया। रेस खत्म हो चुकी थी, सारे बच्चे जा चुके थे, वो मैदान में अकेला खड़ा था, रो रहा था। उसने अपने आप से कहा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं अपने पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो रो रहा था दोस्त, उसके पापा ने उसके कंधे पे हाथ रखा, उसने देखा अपने पापा को और अपने पापा के पैर छू के बोलता है, पापा आई एम सॉरी, आज मैं आपको जीत कर नहीं बता पाया, मेरे को इस बात का दुख है, आज मैंने सिर्फ आपको इसलिए बुलाया था कि आज मैं आपको जीत कर बता पाऊंगा, पापा आई एम सॉरी, कभी भी मेरे को माफ कर मत करना, मैं कभी भी घर नहीं वापस जाऊंगा और कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगा। दोस्त उसके पापा ने उसको गले लगाया और बोलते हैं, बेटा कौन कहता है तू नहीं जीता, अरे ये बच्चे तो सिर्फ एक बार जीते हैं, तू सात बार जीता है, तू सात बार जीता है। दोस्त आज मैं पहली बार कलकत्ता आया हूं और मैं 6 महीने में एक स्टेशन पर जाता हूं। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप दौड़ने को तैयार हो, मेरे को 1 महीने में 6 बार भी आना पड़ा तो मैं आऊंगा, 1 महीने में 6 बार भी आना पड़ा तो आऊंगा। लेकिन अगर आज इस रेस में आपने दौड़ना शुरू किया है, जब भी गिरो याद करना अपने इस परिवार को, जब भी गिरो सोचना इस पत्नी के बारे में, जब भी आपको लगे मैं इस बिजनेस को नहीं कर पा रहा सोचना इन मासूम बच्चों के बारे में, जब भी आप गिरो, जब भी आपको लगे मैं थक चुका हूं सोचना इन माँ बाप के बारे में। जितनी बार भी आपको लगे इस परिवार को देखना और उतनी बार ही दौड़ना, जितनी बार गिरो उतनी बार ही दौड़ना। और मैं आपको ये वादा करता हूं, जो जितनी बार गिरकर उठेगा, जो जितनी बार गिरकर चलेगा, दोस्त कहानियां उसी की बनेंगी, हिंदुस्तान उसी को याद रखेगा, ये हिंदुस्तान उसी को याद रखेगा। आपने सुना, मैं आप आभारी हूं, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आगामी 17 तारीख अशोकनगर शहीद सदर मंचे ऑल लीडर्स, आगामी 17 तारीख रविवार বিকেল 3টা থেকে অশোকনগর শহীদ সদর মঞ্চ এবং আগামীকাল কল্যাণী 7 নম্বরে DDW লিডার মিস্টার শম্ভু দেবনাথ, টাইম 3টায়।